मास की बात की जाए तो सबसे पौराणिक मेला लगने वाला यमुनानगर के बिलासपुर में यानी कि तीर्थ क्षेत्र बिलासपुर में कपाल मोचन का मेला है, जिसका शुभ आरंभ कार्तिक मास की एकादशी को होता है। यानी कि आप सभी को जानकारी दे दे, देवउठनी एकादशी के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है और ये राज्य स्तरीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेले का आयोजन हर साल बड़ी ही धूमधाम से किया जाता है, जिसमें इस बार जो मौके पर पहुंची हैं वो हैं रेणु फूलिया। जी हां, अंबाला रेंज की आयुक्त बता दें, रेणु फूलिया इस बार शुभारंभ करती हुई नजर आएगी। आप सभी को जानकारी दे दें कि पिछली बार कोरोना की कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, उसके बाद इस बार जो है मेले में लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाएगी। सरकार ने पुख्ता इंतजाम करें, जिला प्रशासन यमुनानगर की बात करें तो उपायुक्त राहुल हुड्डा ने हमेशा कह दिया था कि 2800 जवान, लगभग 2800 पुलिसकर्मी जो हैं लोगों के लिए सेवा सहयोग तो मौके पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि विधिवत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंबाला की कमिश्नर पहुंची हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं उपायुक्त की बात की जाए तो राहुल हुड्डा भी मौके पर मौजूद हैं। मेला प्रबंधक की बात की जाए तो SDM बिलासपुर से जसपाल सिंह गिल और तमाम पुलिस अधीक्षक की बात की जाए तो तमाम जो है विधिवत आरंभ होता हुआ मेले का आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मौके पर जो है प्रदर्शनी में भी भाग लेती हुई नजर आ रही हैं और प्रदर्शनी में भाग लेते हुए भी विभिन्न जो स्टॉल्स हैं हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के जो स्टॉल है उस पर भी जाती हुई नजर आ रही है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। हरियाणा के जिले यमुनानगर के बिलासपुर में आज पावन मेला यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैं कहना चाहूंगा मेला, जिसका नाम कपाल मोचन मेला है, उसका शुभारंभ SS फूलिया के द्वारा, जी हाँ रेणु फूलिया के द्वारा किया गया। और वहीं जो जानकारी आप सभी को प्रदान कर दे कि मौके पर जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे और आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न विभागों के प्रोडक्ट्स का निरीक्षण करती हुई भी नज़र आ रही है। मौके पर जो है तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, मेले का निरीक्षण करती हुई नज़र आ रही है। ये जो मेला है वो 5 दिवसीय मेला है और जो कार्तिक मास की एकादशी को शुरू होता है और कार्तिक मास की एकादशी के बाद जो है पूर्णमासी के दिन इसका समापन किया जाता है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा था, शेयर जरूर कीजिएगा। रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी आपको देखी जा सकती है कि रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की जा रही है और मौके पर जो है दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। यमुनानगर से नहीं, हरियाणा से नहीं, बल्कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और तमाम देश के विभिन्न कोनों से जो लोग हैं, जो तीर्थार्थी हैं, वो यहाँ पर आते हैं और डुबकी लगाते हैं, समुद्र में डुबकी लगाते हैं। रेणुमोचन सरोवर की बात की जाए तो वहाँ पर डुबकी लगाई जाती है। बातचीत की जाए तो गऊ बछड़ा घाट है, वो भी बहुत फेमस घाट है, या फिर मंत्रा देवी, आदि बद्री, तो इस प्रकार के जो तमाम टेम्पल्स हैं वो यहाँ पर अपनी एक छठ तो मौके पर आप सभी को जानकारी दे दें, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो मंच पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी भी झलकें आप लोग देख सकते हैं और मौके पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। ये बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है मैडम फूलिया का? देखो, मेला तो दिन पर दिन उन्नति प्रगति कर रहा है, क्योंकि जब 2000 से आज 2022 तक मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा साधन नहीं थे लोगों के पास, दूर से लोग आते थे। आजकल तो ये है कि स्नान करते हैं और शाम को आते हैं और स्नान करके वापस चले जाते हैं। तो मैं सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं और जिनके आने की यहाँ उम्मीद है, उन सभी को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और जिला प्रशासन को भी इस मेले के अच्छे आयोजन के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि मेला निर्विघ्न रूप से संपन्न। इसमें जो प्रधान एडवांस चलने की बात आ रही है कि लंबा भी चलेगा और एडवांस भी शुरू है? देखो, 8 तारीख को जैसे ग्रहण है और लेकिन रात को है 8 तारीख को, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि लंबा चलेगा। बाकी जितने भी लोग आएंगे उनको हमारा प्रशासन रिसीव करने के लिए तैयार है। ग्रहण पर कुछ विशेष हो रहा है इस मेले? नहीं, ग्रहण पे क्या, नहीं ग्रहण पे कुछ नहीं मैडम, क्योंकि जो सूतक है वो सवेरे 4 बजे लग जाएगा और जो ग्रहण है 6:30 बजे तक रहेगा। उस बीच में जो है ना श्रद्धालु ना तो मंदिर जाते हैं, उस मंदिर के पार बन जाते हैं, ना वो धार्मिक स्थल पे अपना करते हैं। कह रही हूँ, जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे 8 को 9 को, उन सबके लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पूरा प्रशासन तैयार है। मैम, जैसे आपने दिखाए थे, देखो एक तो ये है कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं हम यूज़ करें, भंडारों के लिए मैंने कहा है कि भंडारे वाले ना करें उसको यूज़,
क्योंकि वो प्लास्टिक की थर्मोकोल की प्लेट्स जो यूज़ करते हैं वो सारे में इधर उधर फैलती हैं और उससे ज़्यादा कचरा हमें दिखाई देता है। और बाकी प्रशासन को ही मैंने हिदायत की है कि वो जो स्वच्छ भारत अभियान है उसका ध्यान रखें और उसमें जो भी हमारी स्वच्छता का काम है उनको पूरी तरह जारी देते। ये थे आयुक्त कमिश्नर जी हाँ अंबाला रेंज के एसएस फूलिया जो कि मेले में आकर और मेले में आने के बाद इन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। तो हम उस को दे दीजिए इजाजत, बने रहे IB24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।